वैष्णो देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उसी की तर्ज पर पवित्र स्थल पर बनी वैष्णो देवी मंदिर विदिशा में इकलौता ऐसा मंदिर है जो जम्मू कश्मीर के कटरा माँ वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर है। इसमें 98 फीट की गुफा में बाणगंगा, चरण पादुका, गर्भ गुफा, अर्धकुंवारी माता के पिंडी के दर्शन और फिर 50 फीट ऊपर बाबा भैरवनाथ के दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जहाँ श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं, माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। इस मंदिर के बनने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, आइए जानते हैं। मंदिर के पंडा बचपन से ही माता के भक्त रहे हैं और उनकी भक्ति करते हुए उनको कई वर्ष भी बीत गए हैं। से प्रसन्न होकर माता रानी ने रूपचंद को स्वप्न में दर्शन दिया और मंदिर निर्माण का आदेश दिया। आपका नाम? अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में बताइए, मंदिर कैसे बना वैष्णो देवी का? मंदिर ऐसा बना भाई साहब, बड़े छोटू बस वैष्णो देवी की अपन पूजा करते थे, तो लगभग लगभग 10 साल के बाद माता के सपना लिया कि भाई मेरा मुझे देखा तेरी तरह से जम्मू कट्टा से निवास होगा निवास लोगे, तो हमने कहा कि माता जी हम क्या इसलिए नहीं काम हो सकता, नहीं भाई तेरा काम बहुत चलेगा, अच्छी ठेकेदार चलेगा, मेरा काम वैष्णो देवी के पास चला, तो मैंने 1 रुपया कमाया था 25 पैसे दाम कर, इसलिए ये मंदिर धीरे 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 ठीक। उसके बाद फिर मुझे दूसरी बार सपना दिया कि रे भाई देख मैं जम्मू कटरा से तेरे से निवास लूँगी, नीचे के लिए थल घर में मूर्ति मत लाना, मैं तुझे कुदरत ही मिलूँगी। तो मैं फिर वैष्णो देवी के 2004 में मैंने वैष्णो देवी के पिंड भरे 2 दिन 2 रात, उसके बाद मुझे जो कुदरती 3 मूर्ति मिली, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। कहाँ से मिली ये? ये बाणगंगा जम्मू पट्टा की है। हाँ। पिंडी तीनों। अच्छा। और इनको जो स्थापित करवाया वो जो 1.5 फुट के गड्ढे से पानी निकला कुदरती। अच्छा। इस पानी से अनेक रोग दूर होते माता जी ने बताया, और इस मंदिर की परंपरा जी जब से चमत्कार जो मूर्ति प्रकट हुई, जब से इस मंदिर के 10,000 बच्चे हैं। हाँ। और कोई खाली नहीं जा रहा, सिद्धा जो आते हैं वही बताते हैं हमको, हम तो ऐसे जानते नहीं है, वही कहते हैं कि हमने हमारे तो बहुत साल के बाद तुम्हारे इधर से बेटी हुई बेटा हुआ, तो ऐसा बताते हैं, माता जी का बड़ा चमत्कार है। तो हमने कहा भाई हम तो मजदूर आदि, तुम तो माता जी के 5 परिक्रमा लगाओ, बढ़िया मानता करो, उसमें आपकी धर्म की जय होगी। तो यहाँ से लगभग लगभग जी 98 फिट की अर्धकुंवारी की गुफा है। वैसे जैसे वैष्णो जी का मंदिर है, पहले नंबर चरण पादुका पड़ेंगे, माता जी ने भैरवनाथ के डर से पलट के देखा था वो चरण है, अर्धकुंवारी की गर्भ की गुफा है यहाँ पर, और बनकोर आगे बढ़ेंगे भवन की तरफ, उसमें तो 3 जो महादेवी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो कुदरती पिंडी है, जिस तारीख से इसको पिंडी को अपने मतलब जमीन में स्थापित करी ना पंडित जी के द्वारा, उसी तारीख से इस जो जल की जो प्राप्त हुई इसमें कभी कहीं नहीं लगती। अच्छा, इसमें पानी खत्म नहीं होता कभी? पानी खत्म नहीं होता, और जो 250 फीट में जो जल लगे ना सब सूख जाते खाने। अच्छा। पर मंदिर का कभी नहीं सूखती। अच्छा। हाँ, और इसका बहुत बहुत मतलब आस पास जिले से बहुत पब्लिक बहुत दूर दूर आते हैं, बढ़िया सब लोग दर्शन करने, और वही बताते हैं माता जी का बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आपने बताया इस पानी से रोग दूर होते हैं, क्या कौन कौन से इस पानी से रोग दूर होते हैं? जैसे पैर दुखते हैं। हाँ हाँ। है ना, थोड़ा पंजी हो जाते हैं। हाँ। है ना, छाड़न माजन हो जाती है, वो भी अच्छी होती है। अच्छा। और बहुत से जो अपने जो श्रद्धालु थे वो ही हमको बताते हमारी छाड़न अच्छी हो गई। हाँ। हमारा पेट दुखता था, इलाज करवा रहे, पानी पिया हमने। हाँ। तो जब से हमारा पेट भी नहीं दुख रहा। हाँ। सर दुखता था, सर धोया हमने, ऐसा वही लोग बताते श्रद्धालु। अच्छा, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पे? यहाँ से लटेरी, सम सवासरोन, कामखेड़ा, सांची, सलामतपुर, भोपाल। अच्छा। और उज्जैन, इस तरह बीना, कुरई, वासुदाई, थे आसपास के बहुत पब्लिक आते हैं नवरात्रि में। अच्छा, वो नवरात्रि की क्या तैयारी है इस बार? नवरात्रि की तैयारी सब जी पता ही तो हो गई है। हाँ। अब माता जी की कृपा ही बड़ा सब चल रहा, तैयारी जोड़ो तोड़ो से। हाँ। श्रद्धालु काफी, अब क्या कोरोना के टाइम पे थोड़ी पब्लिक कम आई थी, पर अब कोरोना तो है नहीं है, तो पब्लिक लगभग लगभग बहुत काफी पब्लिक आएगी। अच्छा। इसलिए बाकी हम तो हमारा तो कहना चाहिए कि
कि भाई साहब आप लोग सब माता बहने हमारी दर्शन करें और धर्म का लाभ उठाएं। वैष्णो देवी मंदिर है जी, और वही वैष्णो देवी है जो जम्मू कटरा जाती है, उनने के ही निवास लिया था कि भाई तेरे दर कुछ समय में चमत्कार होगा, तेरे दर कन्या होगी तो तुझे तीन मूर्ति मिलेंगी। तो मेरी शादी के बाद 12 साल बाद कन्या हुई, और जब से जो मूर्ति प्रकट हुई, जब से कन्या हुई, जब से जो मूर्ति मिली, जब से बहुत अच्छा बहुत चमत्कार। अच्छा, इसकी मतलब कैसे मान्यता पूरी कैसे होती है, थोड़ा समझाएंगे हमें? मान कैसे पूरी होती भाई साहब, जैसे कि आपकी कोई मानता है, आपने एक आटी धागा से गांठ बांधी, पांच परिक्रमा लगाए, और मन में अपन एक नरियल माता जी को अर्पण करो सीधे हाथ से, और उसके बाद जब मानता जब पूरी हो जाएगी आपकी, जो भी मनोकामना आपने मन में विचार करिए, उसके बाद अपनी वो गांठ खोल दो, पान प्रसाद चढ़ा दो, जो भी है अपना प्रसाद आपने बोला, जो भी है, कई छत्र चढ़ाए हैं, कई घंटी चढ़ाई हैं, जिन लोगों की मानता भाई है, कई लोग पुताई भी करवा देते हैं। मतलब देखिए तो अपन अकेले गरीब आदमी मजदूर आदमी अपन इतना नहीं कर सकते, वो तो जनता कुछ ना कुछ करवा देती है, कोई बाल्टी दे जाता, कोई कुछ दे जाता, कोई ऐसा हो जाती व्यवस्था।